ताज़े रसीले आमों से बना हुआ ये फ्रेश मैंगो जैम किसको पसंद नहीं आएगा। इतना टेस्टी होता है, आप इसको चपाती के साथ खाएं, ब्रेड के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड्स एंड फ्लेवर्स। मैं हूँ शिल्पी। आज हम मिलकर बनाएंगे फ्रेश मैंगो के साथ बहुत ही यमी और टेस्टी जैम। एक बार ज़रूर ट्राई करें एंड आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। आम का जैम या मैंगो जैम बनाने के लिए यहाँ मैंने लिए हैं 4 मैंगोज़ लिए हैं, राइप हैं अच्छे से। और हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे इस तरह से। ये देखिए एकदम पके हुए आम हैं ये, और इनका हमें पल्प निकालना है, मतलब इनका गूदा निकालना है। ये देखिए इस तरह से मैंने कट लगा दिया है। और एक शार्प स्पून लेके आप इस तरह से सारा जो है इसका पल्प निकाल लें। तो मैं इस तरह से सारे मैंगोज़ का पल्प निकाल दूँगी। तो ये देखिए मैंने मैंगो का सारा पल्प निकाल लिया है। तो मेरे मैंगो थोड़े ज़्यादा राइप थे तो मैंने उनको अच्छे से स्क्वीज़ करके भी निकाला है। और यहाँ पे मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगी कि एक तो आप स्वीट क्वालिटी का मैंगो लें, उससे जैम अच्छा बनता है, क्योंकि अगर मैंगो स्वीट नहीं होगा तो शुगर उसमें बहुत ज़्यादा डालना पड़ेगा। और दूसरा ये कि फाइब्रस वाला मैंगो ना लें, जिसमें फ़ाइबर होते हैं तो उसका जैम अच्छा नहीं बनता है, खाते समय मुँह में फ़ाइबर आता है। और अब हम क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे और इसकी प्यूरी बना देंगे। तो ये देखें हम इसको मिक्सी के जार के में ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको हम पीस लेंगे। और ध्यान रखें पीसते समय बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है और हमारी प्यूरी बिल्कुल तैयार है। और अब हम जैम को कुक करते हैं। इसको कुक करने के लिए यहाँ पर मैंने एक वाइड पैन लिया है, तो कोशिश करके बड़ा थोड़ा बर्तन लें आप भी। और इसमें यह मैंगो पल्प डाल देंगे। तो ये मैंगो पल्प जो है करीब 1.5 कप है प्यूरी होने के बाद। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप और 1/4 कप शक्कर। तो शक्कर जो है कम या ज़्यादा आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग करनी होगी, और डिपेंड करता है कि मैंगो आपके कितने खट्टे हैं। अगर मैंगो बहुत ज़्यादा खट्टे हैं तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालनी पड़ेगी, और अगर बहुत ज़्यादा मीठे हैं तो थोड़ी सी कम। हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से मिला लेंगे इस तरह से। आँच को इस टाइम पर मैंने मीडियम हाई पर रखा हुआ है। तो जैम जो हमारा जमता है वो जमता है पेक्टिन की वजह से। पेक्टिन एक मॉलिक्यूल होता है जो कि सारे फ्रूट्स में होता है। जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, मैंगो में उतना ज़्यादा नहीं होता है, मैंगो में थोड़ा कम होता है। तो इसमें पेक्टिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 टेबल स्पून भर के लेमन जूस डालेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जैम जो है टेस्ट में भी अच्छा लगेगा और वो जमेगा भी अच्छे से। और इसको हम क्या करेंगे, अच्छे से कुक करेंगे। तो पहले हम इसको थोड़ा सा तेज़ आँच पर कुक कर रहे हैं। तो करीब 3 से 4 मिनट हम इसको मतलब मीडियम हाई फ्लेम पर कुक करेंगे पहले। ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छे से बबल्स आ रहे हैं, और ये थोड़ा उछलता है तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप जल ही जाएं। अब हम क्या करेंगे, आँच को जो है मीडियम लो पे कर देंगे और इसको कुक करेंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको चलाते रहें, नहीं तो जो शक्कर है वो नीचे बैठ सकती है और हमारा जैम जो है जल जाएगा। ये देखिए मैंने जैम को कुल मिला के 15 मिनट कुक किया है। तो क्योंकि क्वांटिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ 1.5 कप पल्प था मैंगो का, इसलिए इसमें कम टाइम लगा है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे तो ऑफकोर्स आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो मैं आपको उसको दिखाती हूँ कि ये कुक हो गया है नहीं। पहले तो ये है कि देखिए कितना ग्लॉसी हो गया है, इसका मतलब ये कुक है ऑलरेडी। इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, किस तरह का बोल लेंगे, और इसमें मैं थोड़ा सा जैम डाल दूँगी। ये देखिए, और आप देखिए एकदम अच्छे से जम गया है, और नीचे जो है इसमें कुछ भी आप देख सकते हैं, इसमें पानी जैसा नहीं निकल रहा है, इसका मतलब बिल्कुल तैयार है। और अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे और इसको ग्लास जार में भरेंगे। अगर आप इसको बहुत देर के लिए छोड़ देंगे तो ये जम जाएगा और इसको भरने में फिर आपको दिक्कत होगी। इस जैम को बनाने में हमने कोई भी एक्स्ट्रा बाहर का प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया है। जो इसमें शुगर डाली है वही प्रिजर्वेटिव की तरह काम करती है, और ये जैम बहुत दिन तक ख़राब नहीं होता है। तो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो इस जैम में बहुत दिन तक कुछ भी मोल्ड नहीं आती है। तो यहाँ पर आपने देखा मैंने जैम की बॉटल को सिर्फ 3/4 भरा है और 1/4 खाली रहने दिया है। आप भी ऐसे ही करें, इससे जैम जो है बहुत दिन तक ख़राब नहीं होता है। इस जैम को आप ट्राई ज़रूर करें, इसको खाएं आप चपाती के साथ, ब्रेड के साथ, और अपना फीडबैक दें मुझे आपकी, आपको ये कैसा लगा। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ठीक।